और बड़ी खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां के एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में घुसकर बदमाशों ने दो शख्स को गोलियों से भून दिया और दोनों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विसरक थाना क्षेत्र के अजनारा गार्डन सोसाइटी में दो बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और प्रॉपर्टी डीलर और उसके एक साथी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात करीब 9 बजे दो बदमाश सोसाइटी के अंदर घुसकर पहले रेकी करते हैं और फिर प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गाड़ी में वारदात के वक्त चार लोग बैठे थे, लेकिन सामने वाली सीट पर बैठे दो लोगों को कई गोलियां मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, जहां पर दोनों को मृत घोषित किया गया। कार में पीछे बैठे दो लोगों ने अपने आप को किसी तरह से बचा लिया है। वारदात के बाद बदमाश भी मौके से फरार हो गए। पुलिस को वारदात के पीछे आपसी रंजिश का शक है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर विसरक थाना इलाके में अजारा सोसाइटी में कुछ लोगों ने एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके एक साथी को गोलियों से भून डाला। पहले ये बदमाश सोसाइटी के अंदर जाते हैं, रेकी करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो शख्स अपनी गाड़ी के साथ सोसाइटी में दाखिल होता है, उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस वजह से सामने जो प्रॉपर्टी डीलर और उसका दोस्त बैठा था, उन्हें कई सारी गोलियां लगती हैं। जब अस्पताल उन्हें ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित किया, लेकिन गाड़ी में मौजूद दो लोग किसी तरह से बच गए। पुलिस इस पर क्या कह रही है आपको सुनाते हैं। लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पे दो शख्स जो है सोसाइटी के अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद जो है ये गाड़ी आपके पीछे खड़ी हुई है, इस गाड़ी की रेकी करते हैं, उसके बाद जो है फायरिंग करते हैं, जिसमें दो लोगों को गोली लगती है, इनको अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। अभी इनकी पहचान की जा रही है जिन्होंने फायरिंग की है, और हमारे पास कुछ क्लूज है जिसके आधार पर हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। कुछ जो है वो क्लूज मिले हैं हमें, लग रहा है कुछ व्यक्तिगत रंजिश उस तरह की बात है, अभी देखते हैं हर एंगल पर हम लोग जो है जाँच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार तकरीबन रात 9 बजे के आसपास दो शख्स इस सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं। इस गाड़ी के अंदर चार लोग सवार थे। हालांकि जब गाड़ी के अंदर झांका गया तो कुछ बोतलें अंदर से बरामद की है पुलिस ने, साथ ही खाने का सामान यहां पर है, तो इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि जो चार लोग इस गाड़ी के अंदर बैठे थे, इस गाड़ी के अंदर पार्टी कर रहे थे, लेकिन दो लोग सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद दोनों ही लोग गाड़ी की दोनों तरफ जाकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक आगे दो लोग बैठे थे जिनकी गोली लगने से मौत हुई है, पीछे वाली सीट पर भी दो लोग बैठे हुए थे जो कि फायरिंग जैसे शुरू हुई उसके बाद गेट खोलकर यहां से फरार हो जाते हैं। देख पाएंगे कि गाड़ी का जो गेट है यहां पर भी बुलेट्स के जो मार्क है वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई है। फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची थी, जो गोलियों के निशान थे उसको यहां पर आप देखेंगे कि लाल रंग से मार्किंग की गई है। हालांकि पुलिस को तकरीबन 9:21 पर कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, दोनों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया जहां पर जो डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि जिन दो लोगों की मौत हुई है वो दोनों की जो पहचान है डाकचंद के तौर पर हुई है, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, इसी अजनारा सोसाइटी में उसका ऑफिस भी है, फ्लैट्स बेचना किराए पर चढ़ाने का वो काम यहां पर किया करते थे। पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि शुरुआती जांच में ये आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जो दो बदमाश इस सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए वो कौन थे इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज के अंदर दोनों ही आरोपियों की जो है वो एक तरीके से शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, और फैमिली के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि हाल ही में किसी से उनका विवाद रहा होगा। तमाम पहलुओं जिसको लेकर अब जो नोएडा पुलिस है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन अश्वनी के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, नोएडा।